हाय दोस्तों, आजकल हम जिस एपिडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड की एपिडेमिक से गुजर रहे हैं, उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक एपिडेमिक ऐसी है जो कि लाखों लोगों को सफ़र करवा रही है बीमारियों से और लाखों लोगों को मार भी रही है, वो है एक साइलेंट किलर। आई वुड से इज द मदर ऑफ रूट कॉज ऑफ मेनी इलनेसेस दैट वी सफ़र, और उसका नाम है इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। अगर आप किसी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग पर हैं, कोई मेडिसिन डॉक्टर ने आपको दी हुई है, तो इसका ये मतलब है कि वो मोस्ट प्रोबेबली यू आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, और डॉक्टर ने जो आपको ये दी है दवाई, वो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दी है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, यानी जल्दी आपको बूढ़ा करने लगता है। आपके एक्स और पेंस जो हैं, दर्द जो है इधर उधर जो बॉडी में होते हैं, वो डेली आपके लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये काम करती है। शुरू में तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल करती है, तो इसलिए शुरू में तो इसका नहीं पता चलता, लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे पैदा करती है इवेंचुअली, जो कि एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, यानी कि एस्थमा से लेकर, हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर, डायबिटीज़ है। ये इन्फ्लेमेशन जो है, ये दिस होल्ड्स द की टू सिकनेस एंड हेल्थ। इसका तो देखें, अब इन्फ्लेमेशन के लिए मैं क्या कहूँ, देसी नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हम यूजुअली इसका जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो सूजन है, और सूजन से ज़्यादातर हम ये कहते हैं इसका तो मुँह सूजा हुआ है, इसको तो किसी को गुस्सा आया हो या कुछ है, ये नाराज़ हो, तो हम कहते हैं इसका तो मुंह सूजा हुआ, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ, ये बड़ी सीरियस इन्फ्लेमेशन की बात कर रही हूँ, सूजन की बात कर रही हूँ। और ये इन्फ्लेमेशन जो होती है, ये दो तरह की है, हमारे बॉडी में आती है। एक जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये जब होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब होती है, जब हम इंजर हो जाएं, या हमें कोई इंजरी होती है, या हम जख्मी हो जाए हमें कोई एक्सीडेंट में या किसी चीज़ में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा स्प्रेन एंकल में हुआ था, मेरे यहाँ पर एंकल में जो है वो एक मोच आई थी, और उससे मेरी बॉडी जो है वो, मेरा वो जो एंकल है वार्म अप हो गया, और वो उसने एक ज़ख्म बना दिया, और उसको स्वेलिंग आ गई है ना। तो बेसिकली वो वार्म अप होके वो स्वेल हो गया, वो इन्फ्लेमेशन हो गई उसके अंदर। तो बेसिकली ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, जो किक इन हुआ मेरी बॉडी ने, वो उसको किक इन किया, और ताकि वो मेरी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो जो है बॉडी ने उसको ठीक कर दिया। इसी तरह अगर आपको फ्लू होता है, तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपका टेम्परेचर रेज हो जाता है, है, और फिर आप जो है ज़रा सा रेस्ट करते हैं, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किक इन होता है, और एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो जो है वो आपकी बॉडी ठीक होती है, यानी फ्लू आपका ठीक हो जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, और इसमें कोई ख़तरा की बात नहीं है, है ना। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, बात हम उसकी अब जो करेंगे, ज़रा सीरियस है कि ये सुनने की बात है कि ये जो दूसरी टाइप का ये जो इन्फ्लेमेशन, जिसको मैंने कहा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ये एक आहिस्ता 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 आपकी बॉडी में पैदा होता है इन अ लॉन्ग टर्म। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो अगर आप ट्रीट ना करें, अगर तो फिर आपको बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो अब ये कैसे होता है, ये ऐसे है कि जैसे आपकी बॉडी जो है, इस ए रिज़ल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रही हैं ब्लड स्ट्रीम में, टॉक्सिन्स की, केमिकल्स की, और रॉन्ग फूड्स की, ओवर ए लॉन्ग पीरियड। शुरू में आपको नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता 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 वो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में पैदा हो रही है, जो नज़र भी नहीं आ रही है। और ये जो है, फिर बॉडी को ये लगने लग जाता है कि जो है वो अंडर अटैक है, और इस वजह से वो इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता पैदा कर रहा होता है, है ना। तो दूसरी जो वजह हो सकती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है गलती से, यानी मिस्टेकनली इट गोज़ इनटू ओवरड्राइव में आ जाता है, और अपने ही हेल्थी बॉडी को, अपने हेल्थी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को वो अटैक करने लग जाता है।
तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम की ये एक इलनेस होती है, जो इलनेसेस होती हैं वो इस वजह से होती हैं। तो ये जो जितनी इन्फ्लेमेशन होती है ज़्यादातर ये हिडन है, ऑफन विद नो सिम्टम्स, और इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। अब ये देखिए कि ये जो फाउंडेशन है, ये वाली इन्फ्लेमेशन जो है, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी नियरली एवरी क्रॉनिक इलनेस, जैसे कि अस्थमा को मैंने जैसे आपको बताया, अस्थमा से लेकर कैंसर तक, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ये जो है आपकी एज को, एज प्रोसेस को बढ़ाने लग जाती है जल्दी, और आपके जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जो कि डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा स्पीड अप कर देती है, और इसकी वजह से आपका इम्यून फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। तो ये सारी बीमारियाँ जो हैं वो इन्फ्लेमेशन जो है उसकी जड़ है। अब ड्रग्स जो हैं, देखें जो डॉक्टर्स आपको ड्रग देते हैं वो ट्रीट करते हैं इन्फ्लेमेशन, लेकिन वो जो सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं वो आपके जो प्राइमरी वजह है, जो असल वजह है, यानी कि जो कॉज है प्राइमरी, उसको डील नहीं करती ज़्यादातर। और वो जो है वो एक टेम्प्ररी, जैसे कहते हैं ना आपका ये एक इलाज होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई ये डॉक्टर्स जो देते हैं ये गलत है, नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी। ये जो है डॉक्टर्स जो है ये लाइफ सेविंग आपको चीज़ें देते हैं, मेडिसिन देते हैं, एंड आई एक्नॉलेज दैट नेचुरली, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो जो है वो जो उसकी वजह है उसको डील जो है ज़्यादातर जो है वो डील नहीं किया जा सकता उन दवाइयों से। उसको हमें ये देखना होता है कि एक्चुअली असली वजह क्या है जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो रही है। अब जैसे मिसाल मैं आपको दूंगी, अस्थमा होता है तो ये एक डिज़ीज़ है जो कि आपके एयरवेज को इन्फ्लेम कर देती है, यानी उसको सुजा देती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है। तो आपको डॉक्टर्स देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं इनहेलर की सूरत में। तो उस इनहेलर, ये नेचुरली ये लाइफ सेविंग है, ये एक एक प्रोसेस जो डॉक्टर आपको देते हैं, एंड आई 100% एक्नॉलेज दैट, लेकिन ये आपके जो ये हो क्यों रही है उस बीमारी, इसको रूट कॉज को वो एड्रेस नहीं करती। सो ये प्लास्टर सॉल्यूशन होता है, जैसे एक्जिमा कभी जैसे इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, लेकिन क्रीम्स जैसे हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उससे कंडीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ऊपर से स्किन जो है वो हील हो जाती है टेम्परेरीली, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है आपकी बॉडी में वो उसको वो डील नहीं कर रही है। इसी तरह जो स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, क्रीम्स हैं, उसके लिए डॉक्टर देते हैं इन सब चीज़ों के लिए ये। मगर अगर आप ये देखें कि अगर आप इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अपनी डाइट में थोड़ा कम कर देंगे तो आप देखेंगे ये पिंपल्स वगैरह जो है, स्पॉट्स जो हैं, ये कम होते जाते हैं, क्लियर अप होते जाते हैं। सो फार दिस वॉज डूम एंड ग्लूम। मगर मैं आपको अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जो है, अगर आप थोड़े से चेंजेस करें, डाइटरी चेंजेस थोड़े से करें, तो आप देखेंगे कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि कई मौक़ों पर रिवर्स भी हो सकती है। सो द सॉल्यूशंस आर फॉर्चुनेटली वेरी सिंपल। अब टू फाइंड आउट नेक्स्ट वीक हाउ टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।